यस, इस वक्त हम हैं मुंबई में स्थित केसी कॉलेज में, जहाँ पर यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी की यहाँ पे अवार्ड फंक्शन हुआ है। बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से, और भी पॉलिटिकल लोग भी आए हुए हैं। आइए, यहाँ पर हमारे साथ हैं म्यूज़िक डायरेक्टर दिलीप सेन, उनसे बात करते हैं। यस सर, नमस्कार जी। जी हाँ, मैं संगीतकार दिलीप सेन, और आज मैं यहाँ आया हूँ IPC अवार्ड के अंदर। मतलब ये समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, क्योंकि बाकी कामों का तो हमको मिलता ही मिलता है, मगर ये प्रेस का एक अवार्ड है जिनके लिए हम लोग चुने जाते हैं। क्योंकि इनके ये नहीं है हमारी ज़िंदगी में, अगर प्रेस मीडिया नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, तो हम लोग किसी भी लायक नहीं है। हम चाहे कितना ही अच्छा काम करें, मगर उसको सराहने वाले आप ही लोग हैं। तो ये अवार्ड पा के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इनके लिए एक ही का बात कहूँगा, जो मेरे अक्सर एक गाने के लिए मैं कहता हूँ, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह हो शाम, IPC आई लव यू, यू लव मी। तो क्या है कि हर इंसान के पीछे, जैसे लोगों ने कहा ना कि औरत का हाथ होता है कामयाब मर्द के, मगर मैं कहूँगा औरत के साथ साथ अगर IPC आपके पीछे नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि औरत तो आपके घर को और आपके नसीब को संभालती है, मगर पब्लिक तक अगर कोई पहुंचाता है, और आपकी काम की जो मतलब रुपये का काम 1.25 रुपया 1.5 रुपया अगर कोई करता है, तो वो प्रेस मीडिया है। और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरे खास करके भाईजान का, क्योंकि साकिब साहब एक इतने बड़े आदमी हैं कि इन्होंने एक शब्द मुझे कहा, मैं एक कहते ही इनके आ गया। और बहुत ही यंग लड़के हैं, और आज की डेट में मतलब इनके दिल में जो हम कलाकारों के प्रति जो एक भावना है, हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं, और इनके सारे ग्रुप का करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया को शुक्रिया अदा करने के लिए, और दूसरी बात, आपने पूरे माहौल को खुशनुमा कर दिया है अभी। और यहाँ पर ये कितना ज़रूरी है अवार्ड फंक्शन, एक कलाकार के लिए एक अवार्ड मिलना कितना ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण रखता है? देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, आपके अवार्ड जो है ये एक जैसे रूह की ग़िज़ा होती है ना, कि मतलब आप समझिए खाना तो आपको ज़रूरी है, मगर खाने से पहले एक ब्रेकफास्ट जो होता है जिससे आप तंदुरुस्त माने जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कहता है ना कि खाना तो खाइए, मगर उसके अलावा आप ब्रेकफास्ट ज़रूर लिया करें, ब्रेकफास्ट में ये सब लिया करें। तो ये क्या होता है, ये वो चीज़ है कि आपके काम की सराहना, जो आपने काम किया या जो आप कर रहे हैं, इसमें आपका करेक्टर, आपका वजूद, आपकी हर चीज़ें उसमें काउंट होती है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि आपके सही रूप में, अगर आपके गुरु के बाद में, अगर सही माने में आपकी जो पहचान अगर कोई किसी को देता है, तो वो प्रेस मीडिया ही है। और प्रेस मीडिया के सामने तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं ही नहीं, जब से इंडस्ट्री नहीं पूरी दुनिया बनी है, तब से प्रेस मीडिया चला आ रहा है। मैं तो एक कहावत में बहुत हर एक को कहते रहता हूँ कि अगर बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी उसको दूध नहीं देती है। तो अगर प्रेस मीडिया ना हो और अगर हम ना छपें, तो हमने क्या किया क्या नहीं किया किसी को पता नहीं चलता। और आज भी देखें ना, क्योंकि आज अगर आज के म्यूज़िक को अगर आप समझ सकती हैं, आज का म्यूज़िक जो इतना हिट माना जा रहा है, जैसे कि अभी मेरे पोते का एक गाना चल रहा है, ओ बाला, बिल्कुल। तो अब ये बाला गाना जो इतना हिट हुआ है, जिसको अक्षय कुमार जी ने करवाया है, अगर प्रेस मीडिया नहीं होती तो ये गाना आज इतना बड़ा नहीं हिट होता। और आज हम चार पीढ़ियाँ यानी संगीत में सेन परिवार की, जमाल सेन, शंभू सेन, दिलीप सेन, समीर सेन, और मेरा पोता सोहेल सेन, और मेरा भतीजा ललित सेन, आज हमारी जो पीढ़ियाँ चली आ रही है, इसको जिंदा ही रखा है प्रेस मीडिया ने। तो मैं तो ये कहूँगा कि प्रेस मीडिया नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। सर, आजकल के गानों की अगर बात करें, तो वो किस तरह से, पहले के गाने कैसे होते थे और आज के गानों में क्या डिफरेंस है, आप बताएंगे कुछ? देखिए, म्यूज़िक तो उस वक्त भी अच्छा होता था और आज भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक अच्छा नहीं होता तो चलता क्यों। हाँ, एक बात मैं आपसे ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे वक्त में फिल्म की सिचुएशन पर म्यूज़िक होता था परफेक्ट। क्योंकि जैसे अगर हमारा सिचुएशन में आपको एक बताना चाहूँगा, जैसे एक मैंने फिल्म की थी मेहरबान, उस फिल्म के अंदर खास बात यह थी कि भाई एक पहली नाइट को एक इनकी शादी के बाद में नाइट का गाना हुआ सुहागरात का, उसके बाद में नेक्स्ट डे दूसरा गाना है। तो मैंने मेरे डायरेक्टर जो थे टीना फिल्म के, रविशंकर साहब, मैंने बोला यार सर अभी गाना गया है, इन द मॉर्निंग में आप दूसरा गाना डाल लो तो पब्लिक हिल जाएगी, बैठेगी नहीं, हूटिंग करेगी। तो उन्होंने बोला नहीं सर, इस जगह तो मुझे गाना चाहिए चाहिए, क्योंकि ये मेरी फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। तो मतलब सिचुएशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो आप यकीन मानिए कि उस वक्त मैंने जब उनसे पूछा, तो उन्होंने एक गाने का मुझे एग्जाम्पल दिया कि भाई अगर उस वक्त का गाना अगर होता, आज मैं यूज़ करता, तो वो गाना ये था
झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। तो ये गाना बोले मेरे सिचुएशन में फिट बैठता है कि एक शादीशुदा सुलझा हुआ जोड़ा जो है तो कैसे गाना गाएगा। तब आप यकीन मानिए, तब मैंने अपने राइटर को बुलाया रानी मलिक जी को, मैंने कहा यार इसमें चांद सितारे भी चाहिए, तो कुछ इस तरीके से कीजिए। तो मैं हम लोगों ने धुन बनाई और वो सोनू निगम जी ने गाया उस गाने को, उसके बोल कुछ ऐसे थे, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। तो इस तरीके से सिचुएशन पे काम हो जाता। आज वैसा नहीं है, आज कहीं भी कुछ हो तो कुछ ना कुछ गाना, बस कहीं सिचुएशन अगर डल पड़ रही है तो बोला एक गाना डाल दो यार, सिचुएशन डल गिर रही है तो एक सीन डाल दो यार, सिचुएशन डल गिर रही है तो एक फाइट डाल दो। हमारे वक्त में ऐसा नहीं था, चाहे वो आईना थी मेरी, आईना के अंदर दो बहनों का करेक्टर था, दोनों के अलग अलग म्यूजिक थे। अब जब देखिए उसमें रोमांटिक गाना गाती है अमृता सिंह, मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम हो रहते हो, और जैसे जूही का आता है, दिल ने दिल से क्या कहा, सुंदरा सुंदरा गोरिया रे मेरा दिल। तो ये जो सिचुएशन है जो हम लोग उस वक्त काम करते थे, वो आज की डेट में नहीं मिलेगी, ना वैसी राइटिंग है। जैसे कि मैं अभी जावेद साहब ने मेरे साथ एक फिल्म की थी अर्जुन पंडित, उसमें क्लाइमेक्स में एक गाना था, जबकि क्लाइमेक्स में अक्सर फाइट जब हो रही है तो क्या गाना गाएंगे, मगर वो सिचुएशन ऐसी थी, उन्होंने कहा कि नहीं दिलीप ये गाने से ही लड़का लड़की नज़दीक आएंगे। जूही चावला, वो जो जूही चावला पूरी पिक्चर में उससे नफरत करती है, ये गाना ही ऐसा है जो उसको नज़दीक लाएगा। तो वो गाना फाइट चल रही है, गाना है, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। तो इस तरीके से गाना वो तब हिट होता है जब गाना भी लोगों को पसंद आया, वो गाना मेरा हिट भी हुआ, आज भी लोग उस गाने को पसंद करते हैं, जो आज की सिचुएशन में म्यूज़िक में कम सुनने को और देखने को मिलती है। जी सर, जैसे कि आपने बात की कि सिचुएशन पे, अभी आजकल के गानों की अगर बात करें तो यहाँ पे सिचुएशन एक एक थोड़ा सा बता हिंट दे देते हैं कि ये सीन है और यहाँ पे गाना बनना है, यहाँ पे नहीं, गाना वो सीन चाहे कुछ भी हो जी, गाना चाहिए नहीं, गाने के बोल के अंदर सलवार कुर्ता है मगर पहन के चड्डी पहन के डांस कर रही है। जी जी, तो सर वही मैं बोलना चाह रही हूँ। जी सर, कहीं से भी कुदी मार के पहाड़ पे खड़े होकर नदी के किनारे कर रहे थे, ऐसा नहीं होता ना। जी, तो ये वही बात कर रही हूँ कि म्यूजिक, पहले का जो म्यूजिक है, जो पहले की मेलोडी है, वो जिंदा है, अभी तक जिंदा है और जिंदा रहेगी। जितने भी आप रियलिटी शो देख रहे हैं, आज जितने रियलिटी शो उनमें अगर आप देखेंगे तो सब पुराने गाने सुने जाते हैं, ना कि कोई आज के गाने सुन रहे हैं। बस आज के गाने टाइम पास हैं, अच्छे बनते हैं नो डाउट, बट जिंदा रहने वाले आज हम लोगों के गाने, मेरे गाने आज भी लोग गाते हैं। अब जैसे लता जी ने मेरे साथ काम किया, अब नाम क्या है प्यार का मारा, घर का बता दो दिल है तुम्हारा, ये गाने हैं, जैसे होठों पे बस तेरा नाम है, फिर वो लगी लगी है ये दिल की लगी, ना समझो इसे, देखो जरा देखो बरखा की जड़ी, का गानों के शब्दों के साथ में हम लोग चलते थे। सर, तो मैं ये पूछ रही थी आपसे कि सर ये जो गाने हैं, जो गाने हैं आजकल के गाने हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि जो पुराने गाने होते थे उनमें जान है और वो रहेगी हमेशा के लिए, आजकल के गानों को क्या ज़रूरत है उन गानों में अभी जो उनको ज़िंदा रखे, क्या किस चीज़ की कमी है? शायरी, आजकल के गानों को शायरी नहीं मिलती, आजकल के गानों को एक शब्द मिल जाते हैं, तो उसके हिसाब से क्या है कि वो शब्दों के खेल होता है खाली।